दुनिया के सबसे अनोखे द्वीप पर रहने के लिए इस कपल को मिली नौकरी। हजारों आवेदन में से चुने गए हैं दो लोग। आयरलैंड के डबलिन में एक नौकरी के लिए दुनिया भर से 50,000 आवेदन आए थे। इस नौकरी के लिए एक स्थानीय कपल को चुना जाता है और कहा जाता है कि आपने हजारों आवेदकों को हराकर इस नौकरी को जीता है। बता दें कि इस नौकरी के लिए केयर टेकर के रूप में आयरलैंड के एक सुनसान टापू ग्रेट ब्लास्केट आइलैंड पर भेजा जाता है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस सुनसान टापू पर ना ही बिजली है, ना ही इंटरनेट है और ना ही कोई आधुनिक सुविधा है, लेकिन खाने पीने और रहने के लिए बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। इस टापू पर रहना एक तरह से स्वर्ग के समान है। इस अनोखी नौकरी के लिए एक कपल ने अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ दी और घर भी बेच दिया। हाल ही में इस कपल ने नौकरी की दास्तान शेयर की है। दरअसल एनी बर्नी और इवन बॉयल को वेलेंटाइन डे के दिन कॉल आया कि आप विजेता बन गए हैं और आपको ये नौकरी दी जाती है। इस नौकरी को आपको मार्च में ज्वाइन करना है। कपल ने कहा कि उन्हें ये पता नहीं था दुनिया से कटे इस टापू पर आधुनिक सुविधा के बिना कैसे जीवन संभव होगा। कपल ने इसके लिए अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ दिया था और घर भी बेच दिया था, लेकिन इसी बीच लॉकडाउन हो गया। ऐसे में जून में इस आइलैंड पर जाना असंभव हुआ। इस नौकरी के लिए आए विज्ञापन में बताया गया था कि आइलैंड पर बगैर बिजली और इंटरनेट के फुल टाइम रहना है। बर्नी और बॉयल इस विज्ञापन को पढ़कर नई लाइफ के सपने देखने लगे कि कितना अच्छा होगा जब बिजी लाइफ ना हो और ना ही कोई भगदड़ हो। बिना टेंशन के दिन में काम करो, खाओ पियो और आराम करो। जून के अंत में इन्हें आइलैंड पर आने का मौका मिला। बर्नी और बॉयल को यहाँ 3 कॉटेज का ध्यान रखना होता है। सुबह 9 बजे दिन शुरू होता है, जिसमें गेस्ट के लिए कॉटेज तैयार करना, सफाई के बाद भोजन का प्रबंध करना आदि काम शामिल है।